कहते हैं लड़का तो एक परिवार लेकिन लड़की दो परिवारों का नाम रोशन करती है। अगर वह लड़की राजस्थान से है तो निश्चित रूप से संस्कारी, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, स्मृत परंपराओं की धनी, पारंपरिक त्योहारों में आस्था रखने वाली होगी ही, क्योंकि राजस्थान की यही पहचान है। जी हाँ, हम एक ऐसी ही महिला से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जो राजस्थान के छोटे से शहर कुचामन सिटी में जन्मी, स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की और विवाह उपरांत दिल्ली में आकर न केवल घर परिवार संभाला बल्कि अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभाया। आज हमारे साथ हैं श्रीमती किरण लड्डा जी, जो कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की उपाध्यक्ष हैं, उत्तरांचल की, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन दिल्ली प्रदेश महिला टीम की अध्यक्ष हैं और राजनीति में भी आप सक्रिय हैं। भाजपा करोलबाग जिला की आप मंत्री हैं। आपकी सामाजिक और धार्मिक सेवाओं को देखते हुए आपको बेस्ट जोनल प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। वैश्य पैनोरमा मैगजीन द्वारा वैश्य गौरव अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है और माहेश्वरी वुमेन ऑफ द अर्थ जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आइए मिलते हैं श्रीमती किरण लड्डा जी। किरण लड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। किरण जी, आप बताइए कि एक राजस्थान के छोटे से शहर कुचामन सिटी से दिल्ली तक का सफर, घर परिवार को संभालना, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में आपका समर्पण भाव, राजनीति में सक्रियता, ये सब कैसा अनुभव रहा और कैसे यह संभव हो पाया? जी किरण जी। सर ये बिल्कुल सही है। मैं राजस्थान के छोटे से गांव से ही बिलोंग करती हूँ और मेरे बचपन एक छोटे से कस्बे में, उस समय बहुत अविकसित था। आज तो वो कस्बा भी बहुत विकसित है, लेकिन उस समय सरकारी स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई और वहां से कम संसाधनों के अंदर ही हम लोगों ने अपना सारा जीवन यापन किया था। यानी उस समय वहां संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद घर में संघमय परिवार था। पिताजी और भाई संघ से जुड़े हुए थे, तो शुरू से सेवा का संस्कार बचपन से मिला हमें और स्कूल टाइम में भी ये सब बहुत अच्छा लगता था। किसी की सहायता करना, किसी भी सेवा में जुड़ना और स्कूल की हर एक्टिविटी में, विशेषकर जो राष्ट्रभक्ति की होती थी उसमें शामिल होना, ये शुरू से रुचिकर रहा था। और उसके बाद में एक लंबा अंतराल आ गया बीच में। शादी के बाद जब दिल्ली आई और उसके बाद भी तकरीबन 18-20 साल तक तो घर की जिम्मेदारियों में ही सारा समय निकला। बच्चों की परवरिश, घर को संभालना, इन्हीं सब में रहा। लेकिन उसके अच्छा बाद वो कहते हैं ना कि अंदर जो भाव होता है तो ईश्वर भी आपकी आपके लिए मार्ग चुनते हैं। और अनायास ये सब हुआ जुड़ना। और सर्वप्रथम अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। उस समय में जिला अध्यक्ष पे सर्वप्रथम चयनित हुई और उसके बाद में तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ और अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। देखिए, जब भी हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं तो सर्वप्रथम तो अपना निर्माण करते हैं। हमें बहुत सी जानकारियां सीखने को मिलती है, बहुत सी नए क्षेत्रों की जानकारी होती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर हमारा अपना विकास होता है। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कुछ सेवा के काम होते हैं, कोई भी हम इस तरह की सक्रियता में लगते हैं तो निश्चित रूप से मन को खुशी भी होती है और
सुकून भी मिलता है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपने पूछा संभव कैसे हुआ, तो संभव के पीछे कुछ भाव होते हैं, तब परमात्मा भी पूरा साथ देता है और सब तरफ से मुझे साथ मिला, सपोर्ट मिला, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा साथ में, तो सब कुछ संभव होता गया। आप समाज में तो सक्रिय है ही, साथ में भाजपा में भी सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी की आप जी जी सदस्य है। प्रधानमंत्री जी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, और विशेषकर मैंने देखा है प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण, आप मोदी जी की किस बात से सबसे ज्यादा प्रेरित हैं, आपको क्या उनसे प्रेरणा मिलती है? मोदी जी की तो हर बात आकर्षित करती है। कुछ समय पहले मेरा सूरत जाना हुआ, सूरत में मेरे भाई रहते हैं, उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सूरत शहर इतना साफ सुथरा शहर था, वहां देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने भाई से पूछा कि सूरत इतना साफ सुथरा शहर है और यहाँ की नगरपालिका इसका मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उस समय भैया ने मुझे मोदी जी के सारे क्रियाकलापों की सारी जानकारी दी, किस तरह वो गुजरात के विकास में लगे हुए थे और किस तरह सूरत शहर को साफ सुथरा करने में पूरा हाथ था, नगरपालिका भी का भी, लेकिन मोदी जी का अपना वहां पे ये प्रकरण पूरा चल रहा था। वहां से आके ही हमने यहाँ पे अपने महिला संगठन में बैनर्स के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से और कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हमने स्वच्छता अभियान को उस समय से शुरू कर दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद शुरू किया मोदी जी ने तो इसको, और उनका केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में पहली बार प्रवेश पर लोकतंत्र के मंदिर को नमन करना, उनके उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली, हर चीज आकर्षित करती है। आप देखिए ना, जब वो बोलते हैं, हम कोई लिखा हुआ कुछ बोलते हैं उसमें हमारे भाव नहीं होते, लिखा हुआ हमने पढ़ दिया, मोदी जी जिस तरह बोलते हैं, यानी हमारे भीतर जो भाव होते हैं वही बाहर आते हैं जब हम बिना देखे बोलते हैं, तो उनकी ये विशेषता है मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं सभी को आकर्षित करती होगी। और हमारे महिला संगठन ने उनके हर अभियान को, जितने राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहे थे, सबको बहुत बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया है। जी, मैंने देखा है आप, जैसे मैंने बात की कि राजनीति और सामाजिक दोनों में सक्रिय हैं आप, तो एक महिला होने के नाते क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं, और आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? जी, ये बात सही है, चुनौतियां हमें सब जगह मिलती है, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारी हो, सामाजिक जिम्मेदारी हो या राजनीतिक जिम्मेदारी हो, चुनौतियां हर जगह मिलती है, लेकिन यदि आप अपना काम पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ कर रहे हैं, तो आप उन चुनौतियों से निकल जाएंगे। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की विजय होती है। सब जगह आपको चुनौतियां मिलती है, लेग पुलिंग भी होती है, हर तरह का माहौल मिलता है, और महिला के लिए स्पेशली मैं कहूंगी कि महिलाओं को चुनौतियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन यदि आपका काम बहुत सही है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और आपके परिवार का सपोर्ट इसमें बहुत चाहिए। किसी भी महिला को सार्वजनिक रूप से काम करने में उसके अपने परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। यदि आपका परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ में है, सारे परिजन आपके साथ में है, तो फिर आपकी वो चुनौतियां एकदम से कम हो जाएगी, कोई मुश्किलात नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से आपको रमेश लड्डा जी का और फिर अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट मिला होगा, तभी आप इस तरीके से सक्रिय हैं। भाई साहब को मैं जानता हूं पर्सनली, पूरी तरह बहुत सरल। जी जी, उनका सपोर्ट, यानी बैक स्टेज सारा उन्हीं को ही क्रेडिट देती हूं मैं। उनका पूरा पूरा सपोर्ट मुझे मिला है और परिवार से, बच्चों से पूरा सपोर्ट मिला है, मैं तभी इतना काम कर पाती हूँ। तो मेरे पति का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। मनुष्य को, आदमी को सक्सेस होने के लिए महिला का सपोर्ट होता है, उसके पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो आप कहना चाहेंगे कि महिला के साथ भी अगर उनके पति का सपोर्ट हो तो वो महिला काफी आगे बढ़ सकती है और समाज में कार्य कर सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिस तरह महिला का सपोर्ट पुरुष के लिए जरूरी है, तो उसी तरह पुरुष का सपोर्ट भी महिला के लिए बहुत जरूरी है, और मेरे साथ तो पूरी तरह से ये लागू होता है कि मुझे अपने हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है उनका, तन से, मन से, धन से, सब तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं।
आप दिल्ली प्रादेशिक महिला संगठन की अध्यक्ष रही हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आपने दिल्ली में किए हैं। वर्तमान में आप उत्तरांचल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो माहिष्मी समाज एक बहुत ही समृद्ध समाज है। माहिष्मी समाज की परंपराएं, संस्कार बहुत परिवारों में अंदर तक लोग उसको अपनाते हैं। तो आप एक तो कुछ माहिष्मी समाज के बारे में बताएं, एक माहिष्मी संस्था के बारे में कुछ बताएं, और अपने कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही आपकी, आप उनके बारे में बताएं। जी सर, माहेश्वरी समाज पूरी तरह से राजस्थान से बिलोंग करता है। मूलतः सारे ही माहेश्वरी परिवार राजस्थान से ही निकले हुए हैं, और यह एक बहुत अच्छी परंपरा रही हुई है वहां पे कि हर परिवार से, आज हम यदि इतिहास देखें तो हर परिवार से जो भी समृद्ध परिवार थे, सक्षम परिवार थे, उनके द्वारा जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं होती थी, यानी आज कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, औषधालय, स्कूल, ये सब इतने ज्यादा बनाए जाते थे। शुरू से परंपरा रही है इन सब सेवाओं में, और हम कह सकते हैं कि ये जो सेवा संस्कार है, ये हम सब माहेश्वरी परिवारों को, माहेश्वरी बंधुओं को, बहनों को, सबको जीन्स में मिला हुआ है ये संस्कार। तो ये बहुत, या बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परंपराओं को निभाने में, संस्कारों को निभाने में और अपनी संस्कृति को निभाने में भारतीय माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो हमारे महिला संगठन के क्रियाकलापों की बात है, तो जो महिला संगठन है, हमारे समाज के तीनों अंग बने हुए हैं, जो जेंट्स विंग है वो महासभा के नाम से, महिला संगठन और युवा संगठन, तीनों का अपना बहुत व्यवस्थित सेटअप है। और महिला संगठन तकरीबन 44 साल पुरानी संस्था हो गई है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय अच्छा स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक इसका श्रृंखलाबद्ध एक सुनियोजित गठन है, जिसमें 10 समितियां हैं और बहुत अच्छी समितियां। आप नाम से ही जान जाएंगे कि व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति, विवाह संबंध सहयोग समिति, नेटवर्किंग एवं तकनीकी शिक्षा समिति, पारिवारिक समरसता समिति, स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति, स्वास्थ्य समिति, जी और इस तरह की ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति। तो ये सब समितियां जो हमारी बनी हुई है, इनका इनकी भी सुनियोजित पूरी श्रृंखलाबद्ध इनका गठन है, और इनमें जितनी योजनाएं शामिल की गई है, जितने इनमें कार्यक्रम शामिल किए हुए हैं, वो समय के साथ साथ जिस तरह समय की मांग है उसी अनुरूप उनमें परिवर्तन होता रहता है, और उन सब योजनाओं के अनुसार ही सारा काम होता है। तो काम एक बहुत सुनियोजित है, और अब इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, और कामों की भी एक बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता बन चुकी है वहां पे। तो जी उसमें काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े रूप में हो रहे हैं। और आपने पूछी कि मेरा जो कार्यकाल रहा उसकी उपलब्धता, 3 साल का मेरा सत्र था दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उन 2017 से लेके 2020 तक, यानी 2016 से 2019 तक, 19 के लास्ट तक। तो जी उसमें भी उन्हीं सब समितियों के अंतर्गत हमने दिल्ली प्रदेश में भी वो सारे कार्यक्रम लिए, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य संबंधी, खेलकूद संबंधी और देशभक्ति के सारे बड़े बड़े कार्यक्रम लिए, और सब सफलतम रूप से संपन्न भी हुए। सब जितनी भी बैठकें होती है हमारी कार्य समिति की, कार्यकारिणी की, वो सब बैठ के ली। और सत्रांत में तो हमने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का भी यहाँ पे आयोजन किया, जिसमें यूथ फेस्टिवल रखा गया, हमारी युवा शक्ति के लिए 3 दिवसीय बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सभी हमारी युवतियों को बहुत बड़ा मंच मिला उनकी प्रतिभा को निखारने का, उनकी प्रतिभा को उजागर करने का। तो वो कार्यक्रम भी हमारा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत सी यात्राएं की हमने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, कुछ घरेलू यात्राएं की, और इस तरह से वो सारा सत्र बहुत उपलब्धियों भरा रहा। खूब उसमें सदस्यता का विस्तार हुआ, नए नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ, और सब तरह के कार्यक्रम हमने बहुत सफलतापूर्वक किए। तो इस तरह से मैं अपने इसका आप को, दिल्ली में जो आपने समापन दिल्ली में जो समापन समारोह किया था, 3 दिन का कोई कार्यक्रम किया था, तो बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। मैंने देखा था बहुत बड़ा जो भव्य आपने कार्यक्रम मैरोली में किया कार्यक्रम था। था। जी, उसमें 3,000 बहनें जुड़ी थी, और बहुत बड़े मंच का कार्यक्रम था वो।
उसमें मैं जैसे मैंने बताया कि यूथ फेस्टिवल था, तो युवा शक्ति के लिए बहुत सी ऐसी उसमें कार्यशालाएं रखी गई, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए, बहुत सी ऐसी कॉम्पिटिशन्स रखी गई जिनके माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ अपनी प्रतिभा को मंच पर दिखाने का अवसर मिला। बहुत भव्य कार्यक्रम था वो, बहुत सारी राजनीतिक हस्तियां जुड़ी उसमें और बहुत सारी सामाजिक हस्तियां जुड़ी उसमें, सभी संस्थाओं का हमें सहभागिता मिली उसमें, बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो। जैसा मैंने कहा कि भाई माहेश्वरी समाज बहुत परंपराओं को और संस्कारों को मानने वाला है, तो आपने जो बताया कि 10 सूत्री कार्यक्रम जो आप देते हैं उसमें सभी कुछ कवर हो जाता है, अध्यात्म भी कवर हो जाता है, युवाओं के लिए भी कवर हो जाता है, रोजगार के लिए भी कवर हो जाता है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी संगठन महिला की, तो उसके साथ उत्तरांचल भी लगा हुआ है, तो उत्तरांचल से क्या मतलब हुआ? आप दिल्ली में रहती हैं, जैसे किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है इस बात का, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, हमारे जो मैंने बताया था ना कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इसका जो संगठन बना हुआ है, ये 5 अंचलों में जी, विभाजित है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अच्छा, मध्यांचल, उत्तरांचल और दक्षिणांचल, और सभी में जो 27, हमारे इसमें 27 प्रदेश हैं और किसी में 5 किसी में 6 प्रदेशों को इसमें रखा गया है। तो उत्तरांचल में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये सारे प्रदेश इसमें आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो कोई माहेश्वरी परिवार है नहीं और हिमाचल में भी बहुत कम है, जी लेकिन इन सब प्रदेशों में माहेश्वरी परिवार है। तो मुझे अब उन 5 प्रदेशों की पूरी तरह से जिम्मेदारी मिली हुई है, उन 5ों प्रदेशों को अभी मुझे अच्छा, संभालना है। इस तरह हर अंचल से एक तो उन उपाध्यक्ष सब राष्ट्रीय राष्ट्रीय टीम में आता है, हर अंचल से एक उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टीम में आता है। तो अभी उत्तरांचल से मैं वहां पे हूँ। मतलब इन 5 प्रदेशों को मिला के उत्तरांचल प्रदेश है जिसकी आप उपाध्यक्ष हैं। जी जी किरण जी, कोरोना काल चल रहा है पिछले 6 महीने से, और 1.5-2 महीने लॉकडाउन भी रहा, उसके बाद का कार्यकाल भी थोड़ा सा इस तरीके से है कि लोग कम आ जा रहे हैं, कम व्यापार कर रहे हैं, कम मिलजुल रहे हैं, तो इस जो अतिरिक्त समय मिला इस दौरान, इसका कैसे सदुपयोग किया आपने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अपनी संस्था के माध्यम से? क्योंकि ये इस टाइम लोगों के पास काफी समय है, आप देख रहे हैं हर किसी के पास समय है इस दौरान, और उस समय का क्या सदुपयोग किया आपने किस रूप में? ये आपने बहुत अच्छा पूछा भाई साहब। ये एक्चुअली कोरोना काल हम सब के लिए विशेष परिस्थितियां लेकर आया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वैश्विक महामारी इस समय हमारे साथ ऐसी हमारे सामने आएगी, और पूरा जी विश्व, एक बार तो जो लॉकडाउन टाइम चल रहा था तो उसमें पूरा विश्व रुका हुआ था, सिर्फ हमारा देश नहीं, उस समय एक साथ पूरा विश्व रुक गया था, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन टाइम चल रहा था तो हम सबको एक नया अनुभव हुआ कि किस तरह इस समय हमारे राष्ट्र में कोई गतिविधि नहीं हो रही है, इवन फ्लाइट्स, ट्रेन्स, आवागमन, यातायात सब एक साथ रुका हुआ था, हम सब घरों में थे और सारे व्यापार प्रतिष्ठान सब बंद थे। तो उस समय निश्चित रूप से सबने अपने अपने घरों में, जिन्होंने उस समय को बिल्कुल बिना परेशानी के सकारात्मक सोच के साथ लिया है, उन्होंने बहुत कुछ उसको अच्छा जिया है, उसका सदुपयोग किया है। घरों में हम सब हैं, परिवार के साथ में हैं, और बहुत नए नए कार्यक्रम उस समय हुए, सब अपने अपने हिसाब से सब घरों में एंजॉय कर रहे थे। सारे परिजन मिलकर खूब भावभक्ति का कार्यक्रम हो रहा है, खूब खाना पीना हो रहा है, खूब मस्ती हो रही है, ये सब तो घरों में हो ही रहा था। लेकिन उस कोरोना काल के दौरान, क्योंकि हम सबको पता था कि एक राष्ट्रीय महामारी हमारे सामने थी, एक कोरोना जन्य आपदा काल जो हमारे सामने आया हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। हम हमारे चारों तरफ हम जहां भी देख रहे थे ना, बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। तो उस समय हमारे महिला संगठन ने बहुत बड़ा काम किया, जिस जगह जिस चीज की जहां भी जरूरत थी, भोजन व्यवस्था, सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयां, जो चीज के साधन उपलब्ध करवाने थे, जिस तरह की जरूरत थी, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर ये काम किया, बहुत सेवाएं की, करोड़ों रुपए की सेवाएं हुई होगी। और उसके बाद पीएम केयर फंड में भी माहेश्वरी समाज का अरबों रुपए का योगदान गया है, और विशेषकर महिला संगठन से 11 लाख रुपए हमने पीएम केयर फंड में जमा कराए। उसके अलावा
एक आपदा फंड महिला संगठन ने अपने पास भी रखा बनाकर, उसमें से किसी भी जरूरतमंद माहेश्वरी परिवार में भी और कोई भी दूसरे परिवार, कोई भी नॉन माहेश्वरी परिवार या जरूरतमंद कोई भी कहीं भी सहायता चाहिए थी तो आर्थिक सहायता भी बहुत बड़े रूप में की गई। तो इस तरह भी उस पूरे काल में और आज तक वो जारी है, अभी तक वो सब सेवाएं जारी है। तो उन सबको भी महिला संगठन ने बहुत बड़े रूप में निभाया है। हमारी एक समिति बनी हुई है ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति, उसके अंतर्गत ये सारी सेवाएं हुई है। और उस कोरोना काल को, क्योंकि ये देखिए प्रकृति की जब इस तरह के जो आती है, प्रकृति के प्रकोप होते हैं और इस तरह की जब समस्याएं हमारे सामने आती है तो उनको हमें अवसर में किस तरह बदलना है, वो हमारे महिला संगठन ने बहुत अच्छे से सबको समझाया। 10 अप्रैल से लेके 22 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ जनता कर्फ्यू के बाद में, और 10 अप्रैल से वर्चुअल इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं जितने शायद हम फिजिकली और लाइव उस समय जैसे करते थे वो ही नहीं होते थे उतने, उनसे 4 गुना ज्यादा। तो उन सब पर भी इन सब समस्याओं से सुलझना कैसे, हमें कैसे जागरूक बनाना है सबको, किस तरह सावधान करना है सबको, ये सब भी वेबिनार के थ्रू बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे सारे। और हमारी समितियों के अंतर्गत जितनी योजनाएं हैं उन सब के कार्यक्रम भी बराबर चल रहे हैं, यानी संगठन के माध्यम से भी इस पूरे कोरोना काल को बहुत अच्छे से सदुपयोग में लाया गया है। और पारिवारिक स्तर पे हम देखें, पारिवारिक व्यक्तिगत रूप से भी परिवारों में भी सबने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत अच्छे से निभाया इसको और बहुत कुछ सीखा है नया इस समय को, समय में। तो इस तरह ये बहुत ही सदुपयोगी रहा हमारे लिए। मतलब कोई कोई भी जब मतलब हर चीज से हम कोई ना कोई सबक ले सकते हैं, हर किसी चीज में कोई ना कोई अवसर हम ढूंढ सकते हैं। कोरोना काल का भी आपने जो सदुपयोग किया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से कहीं ज्यादा आपने मीटिंग्स की, पहले से कहीं ज्यादा आपने सेवाएं की, तो एक बहुत बड़ी बात है। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि माहेश्वरी समाज की महिलाएं सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव है बजाय अन्य समाज की महिलाओं के, तो इसके पीछे क्या कारण है कि आप आपके कल्चर में ऐसा कुछ है, पारिवारिक सपोर्ट मिलता है आपको ऐसा, या घर परिवार के लोग प्रमोट करते हैं इस तरीके से, उसके बारे में बताएं ताकि अन्य महिलाएं भी आपसे कुछ सीख सकें और जागरूक हो सकें और अन्य परिवारों के लोग भी समाज सेवा में आगे आ सकें। जी ये बिल्कुल सही कहा आपने कि माहेश्वरी समाज की बहनें बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक तो ये जो सेवा का संस्कार है ये सबको जीन्स में मिला हुआ है, और उसके बाद हमारा ये जो संगठन का पूरा पूरी व्यवस्था है संगठन की बहुत सुनियोजित है, बहुत व्यापक रूप से इसके सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, पूरी तरह से ये एक आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित संगठन है। तो इसमें इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है, बहुत ज्यादा उनका मनोबल बढ़ गया है, उनकी सक्रियता बढ़ गई है। और वैसे भी मैं कहना चाहूंगी कि ईश्वर के बाद, कुदरत के बाद कोई चीज बनी है तो वो महिला बनी है। प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने महिला में बहुत शक्ति दी है, और महिलाएं ज्यादा जिम्मेदारी से काम करती है, महिलाएं ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करती है, ये नहीं पुरुष नहीं करते हैं लेकिन बनिस्पत पुरुषों के आप कभी भी जिम्मेदारी देके देखिए हमेशा महिलाएं उसको ज्यादा अच्छे से निभाती है। महिलाओं में रचनात्मकता ज्यादा होती है, क्रियात्मकता ज्यादा होती है, कलात्मकता ज्यादा होती है, तो इस वजह से भी वो किसी भी कार्य को बहुत ही कलात्मक तरीके से संपादित करती है। हमारे जैसे जेंट्स विंग के काम होते हैं, लेडीज विंग के काम होते हैं, लेकिन उनमें आप फर्क यही देखेंगे कि वहां पे इतना ज्यादा भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सब उनकी अपनी क्रियात्मक कलात्मकता होती है जिससे वो हर प्रोग्राम को, हर कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर बना देती है। और अपनी उस शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हुए बहने बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है और बहुत ज्यादा उनमें समाज के प्रति भावना भी आ गई है, इसलिए एक तो कार्यक्रमों में ज्यादा शामिल होती है, बहुत सक्रिय है। और दूसरा मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि कोई भी समाज हो, हम जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज का हमारे ऊपर एक कर्ज होता है, वहां से हमें सब कुछ मिला है, तो एक हमारा फर्ज बन जाता है हम किस तरह उस कर्ज को उतरें, समाज सेवा का
समाज सेवा के प्रति हमारा बहुत बड़ा फर्ज बनता है, तो अपने उस कर्ज को उतारने के लिए हमें यह फर्ज निभाना चाहिए। राष्ट्र के प्रति भी हमारा बहुत बड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि जी जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, जहां से हमें सब कुछ मिला है, हमें अपने जीवन यापन की वहीं से मिली है, तो ये हम सबको मिलकर उन्हें, वो एक कर्ज होता है हमारे ऊपर, तो जैसे भी हम कर सकें हम संतुलन बना के परिवार में और समाज सेवा राष्ट्र सेवा के बीच में पूरा संतुलन बना के, हमारा घर परिवार का इग्नोर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यदि आप समय प्रबंधन सीख जाएंगे, आप संतुलन बनाना सीख जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप उन दोनों सेवाओं में वहां भी सक्रिय अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और सभी बहनों से मैं आग्रह करूंगी कि आपको घर परिवार की जिम्मेदारी तो बहुत अच्छे से निभानी है, लेकिन उसके बाद समाज के और राष्ट्र के प्रति भी अपने इस कर्तव्य को निभाना है। हमें जरूर से इसमें भागीदारी जिसकी जैसे बन सकती है, जितनी जैसे संभव हो सकती है, हमें जरूर निभानी चाहिए, तभी हम अपने इस ऋण से मुक्त हो पाएंगे। आप पैनोरमा टीवी में पधारे हैं और इतना कुछ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।